आए हुए थे ना, तो हमारा रायगढ़ का जोड़ हो रहा था, तो उसमें हिंदुस्तान के एक बड़े हमारे बुजुर्ग हैं जो सबसे सबसे नंबर वन बुजुर्ग हैं जो हमारे, तो वो उनके उनके खादम को मैंने अपने वहाँ खाने भी बुलाया, उनके दो खुदा फिर खाने भी बुलाया, उनको खाना खाएँ हमारे साथ। उन्होंने वाक्य सुना, उन्होंने कहा जी हजरत जो है ना, हजरत की तश्कील हुई थी इंग्लैंड, इंग्लैंड अब इंग्लैंड जोड़ पे जाना था, अब हजरत का तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, वो है ही नहीं बैंक अकाउंट, ना पैसे है ना बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट तो दिखाना ज़रूरी है वीज़े के लिए, तो हमने कहा कैसे कैसे इनका बैंक अकाउंट क्या करें, तो एक साथी को तैयार किया कि तुम इनकी ना स्पॉन्सर बन जाओ इनके। उन्होंने कहा ठीक है मैं बना दो, मैं बताया कि मैं इनकी सारी खर्चा खुर्चा मैं उठाऊँगा, स्पॉन्सर हूँ। वहाँ से इंग्लैंड से मंगवाया एक स्पॉन्सर को, वहाँ से कहा जी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो हम इनको स्पॉन्सर करेंगे, इनके पैसे हम खर्च करेंगे, रहने का रिहाइश का खाने का हम करेंगे। यहाँ वाले ने कहा कि यहाँ का सारा खर्चा टिकट का सब कुछ ये मैं करूँगा, जी बिल्कुल ठीक है। अब ये भी दाखिल करा दिया वीज़ा उनका। अब वहाँ पे इंडिया में पाकिस्तान की तरह नहीं है, इंडिया में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है कि जी वो बोला इनका एक उन्होंने साल लिख के दिया कि जी यहाँ के जाने का खर्चा आने का खर्चा ये करेंगे, ये इनके स्पॉन्सर सब ये करें। अब ये उनको ले गए इंटरव्यू के लिए, हजरत के आज आपका इंटरव्यू है तो चलना है। अब रास्ते में वो कहता है खादिम ने तैयार कर, हमने इनको हजरत को कहा कि हजरत इस तरह है कि हमने बोला दो स्पॉन्सर तैयार किए हैं, एक यहाँ वाला एक वहाँ वहाँ वाला, तो आपने यही जवाब देना है कि इस तरह मेरे स्पॉन्सर हैं ये वो फलाना बताया। वो चुप करके अपने कुरान से पढ़ते सुनते रहे। अब जब वहाँ गए इंटरव्यू के लिए जब बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कागज सामने रख के वीज़ा ऑफिसर ने पूछा हजरत ये दो आपके स्पॉन्सर हैं आप इन्हें जानते हैं? इन्होंने मैं तो नहीं जानता। ये आपके स्पॉन्सर हैं, आपने लिखा ये स्पॉन्सर है, ये वहाँ का स्पॉन्सर आप इन्हें जानते नहीं? उन्होंने कहा मैं तो कभी कुछ नाम सुना नहीं ना मैं इनको जानता हूँ। जी बहुत अच्छे। उन्होंने कहा जी अब आपका जो खर्चा है ये कहते हैं कि हम आपका सारा खर्चा ही उठाएंगे। उन्होंने कहा मेरे खर्चा क्यों उठाएंगे ये, मैं खुद का खर्चा खुद उठाऊंगा, मेरा खर्चा कोई नहीं उठाता, मैं खुद ही उठाऊंगा, मुझे क्यों, मैंने आज तक किसी से कुछ पैसा नहीं लिया, तो ये कौन है पैसे देने वाले मुझे, मैं खुद ही अपना करूँगा। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। उन्होंने कहा जी ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म, अब तशरीफ ले। पासपोर्ट उन्होंने रख लिया, अब तशरीफ ले गए। कहते हम सर पकड़ के बैठे कि हजरत ये क्या किया आपने? अब बाहर गए गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा हजरत वो आपका तो हमने स्पॉन्सर का बंदोबस्त किया था, आपको फिर समझाया था कि ये कहना है, आपने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है मैं झूठ बोलता था, मैं झूठ बोलता, तुम्हारी अकल ठीक है, मुझे मरना है, मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, मेरी किस्मत में होगा तो मैं वहां जाऊंगा, मेरी किस्मत में नहीं है तो ना ही जाऊं, झूठ बोल के कैसे जाऊं, मुझे नहीं जाना झूठ बोल के, मैं तो सच बता दिया, उन्होंने वीजा देना होगा देंगे, नहीं तो ना देंगे, और अगर वो अल्लाह चाहेंगे तो ये देंगे, नहीं चाहेंगे तो सच वो झूठ बोल के भी नहीं मिलता। चलो मैंने सच बोल दिया, अब ये बताओ मेरा पासपोर्ट वीजा लग के आएगा कब? तो कह रहे हमने कहा हजरत पासपोर्ट तो आ जाएगा, वीजा आप नहीं लगेगा, पासपोर्ट आपका आ जाएगा। तो कह रहे वो कह रहे हजरत मुझसे पूछ रहे कि यार ये बताओ कि पासपोर्ट कब आएगा वीजा लग के, साथ साथ ये भी कह रहे। हमने कहा जी पासपोर्ट तो आएगा, वीजा लग के नहीं आएगा। 10 दिन बाद हजरत ने फिर पूछा भाई वो क्या हुआ मेरा पासपोर्ट वीजा लग के नहीं आया? हमने कहा जी वो 1-2 दिन में आ जाएगा पासपोर्ट, वीजा नहीं। कहते खुदा की कसम 15 दिन बाद पासपोर्ट आया, वीजा लग के, वीजा लग के आया। हम हैरान रहे कि अरे ये क्या हुआ हजरत, ये सब कुछ उल्ट पुलट करके आ गए वहां, तो वीजा लग के आ गए। तो कहे उन्होंने मुझे हमें फरमाया कि मेरे जान ये आसमानी निजाम है, तुम लोग क्या समझते हो इस बात को, अल्लाह जो चाहता है अपनी कुदरत से करता है, मैं सच बोलूंगा अल्लाह की मदद आएगी, झूठ बोलूंगा तो अल्लाह की मदद कहां से आएगी? आज सारे हम सोच रहे हैं कि झूठ के बगैर निकाम चलने, ये अभी हुआ है।